किशनगंज के टाउन थानेदार की मौत मामले में उनकी बेटी ने इंसाफ की मांग की है। दिवंगत की बेटी नैंसी ने कहा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई, जबकि उनके साथ गए पुलिस टीम के किसी सदस्य को खरोंच तक नहीं आई। नैंसी ने इस घटना को संदेहास्पद बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि थानेदार अश्विनी कुमार बंगाल में छापेमारी करने गए थे, इसी दौरान वे मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए थे। किशनगंज में कुछ होता है तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था, बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं था और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी ही थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए थे सलामत एक खरोंच के बिना। मेरे डैडी, इंसाफ इंसाफ जल्द से जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करें। और जिन लोगों मुंगेर जिले के भेलवा दियारा से वापस लौट रही बरनैया नाव 50 से अधिक लोगों के साथ गंगा में समा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार नाव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेलवा दियारा से बरदह घाट आ रही थी। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने 2 बच्चों के लापता होने की पुष्टि कर दी, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। बेगूसराय जिले में बेखौफ अपराधियों ने घर में सो रहे एक विकलांग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना फुलवारिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक के भतीजे की 26 अप्रैल को शादी थी। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की छानबीन कर रही है।